हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 3 के विषय गणित की RSCERT NAS क्विज अभ्यास का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, भूरी के पास 98 आम थे, उनमें से 65 आम बांट दिए गए, अब उसके पास कितने आम बचे। तो यहाँ भूरी के पास टोटल आम थे 98 आम थे, जिसमें से उसने 65 यानी 65 आम को बांट दिया, तो उसके पास कितने बचे। तो हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे 98 में से 65 को, तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास कुल टोटल 23 आम। मतलब उसके पास में जो बचे हैं आम वो है 23 आम। तो यहाँ ऑप्शन थर्ड को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बस में 25 यात्री बैठे थे, उनमें से 17 यात्री उतर गए, अब बताइए बस में कितने यात्री बचे। तो यहाँ टोटल यात्री थे 25, जिसमें से 17 उतर गए, ठीक है। तो यहाँ माइनस कर देंगे इसे, तो यहाँ हो जाएगा 15 में से 7 गए तो 8 और 1 में से 1 गया तो 0, तो टोटल कितने बचेंगे, 8 जो है यात्री वो बचेंगे, ठीक है। ऑप्शन थर्ड को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पानी पीने की बोतल की लंबाई 2 पेंसिल की लंबाई के बराबर है, ठीक है, 2 पेंसिल की लंबाई के बराबर। यदि पेंसिल की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो बोतल की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ 2 पेंसिल की लंबाई के बराबर है पानी के पीने की बोतल की लंबाई। अब एक पेंसिल की हमें लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो 2 पेंसिल की हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, बॉटल की लंबाई, पानी पीने की बॉटल की लंबाई, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन करेक्ट करेंगे, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमन की बालिस से कक्षा में रखी टेबल की लंबाई नापने पर 8 बालिस आई। यदि अमन की बालिस की लंबाई 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर हो तो टेबल की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ बालिस की जो लंबाई है अमन की वो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 8 बालिस आई है नापने पर टेबल की लंबाई, तो यहाँ हो जाएगा 8 × 10, टोटल 80 सेंटीमीटर जो होगी वो टेबल की लंबाई हो जाएगी। ऑप्शन फोर्थ को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी ज्योमेट्री बॉक्स वाला स्केल कितने सेंटीमीटर लंबा होता है। तो यहाँ हमारा जो ज्योमेट्री बॉक्स वाला स्केल होता है वो होता है टोटल 15 सेंटीमीटर का, ठीक है, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 18 आम को 3 बच्चों में बराबर बराबर बांटें तो एक बच्चे को कितने आम मिलेंगे। तो 18 आम को जब हम 3 बच्चों में बांटेंगे तो प्रत्येक के हिस्से में आएंगे 6 आम, तो यहाँ ऑप्शन सेकेंड को करेक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ आप ध्यान रखिएगा, 18 बच्चों में अगर 18 आम हैं और उन्हें 3 बच्चों में डिवाइड करना है तो हम इन्हें 18/3 कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा प्रत्येक के जो भाग में आएंगे वो होंगे 6 आम, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन सेकंड को करेक्ट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता ने कुल 25 पेड़ लगाए, हर प्रकार के 5-5 पेड़ लगाए, तो बताइए उसने कितने प्रकार के पेड़ लगाए। कुल टोटल 25 पेड़ लगाए हैं सीता ने, ठीक है, और हर प्रकार के 5-5 पेड़ लगाए हैं, तो कुल कितने प्रकार के पेड़ हैं, 5 प्रकार के पेड़, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सेकंड सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36 गिलासों को कितनी ट्रे में रखा जाएगा, जबकि एक ट्रे में 6 गिलास रखे जा सकते हैं। तो यहाँ अगेन हम 36 को डिवाइड कर देंगे 6 से, तो यहाँ बच जाएगा 6, तो एक ट्रे में जब 6 गिलास रखे जाते हैं तो 36 गिलास रखे जाएंगे कितनी ट्रे में, छ ट्रे में, ठीक है, 6 ट्रे में 6-6 गिलास आ जाएंगे, तो टोटल हो जाएगा 36, ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिक्चर दे रखी है जिसमें हमें कुछ चॉकलेट्स की पिक्चर दे रखी है, यदि आपको 8 चॉकलेट को 2 बहनों के बीच समान रूप से विभाजित करना है तो प्रत्येक को कितनी चॉकलेट मिलेंगी। 8 चॉकलेट हैं 2 बहनों के बीच समान रूप से, तो एक प्रत्येक के हाथ में जो आएगी वो होगी 4 चॉकलेट,
चार चॉकलेट एक बहन को मिलेगी, तो यहाँ हो जाएगा 8/2। ऑप्शन सेकंड को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका इस क्विज का, जिसमें हमें कुछ बॉटल की पिक्चर दे रखी है। अब दिए गए चित्र में कुल बॉटलों की संख्या बतानी है, तो कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 बॉटल हैं। अब यहाँ 6 किससे मिलेगा हमें? जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 2 × 3 = 6, तो यहाँ हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से था कक्षा 3 के विषय गणित का क्विज अभ्यास का सॉल्यूशन। ठीक है, इसी तरह से आपकी क्लास से और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस देखते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।